हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं आपके बीच, सोया चिली। इस रेसिपी को सीखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फुल वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इतनी टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं आपके बीच, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सोया चिली बनाने के लिए 250 ग्राम सोयाबीन लिया है, बड़ी वाली है। आप छोटी भी ले सकते हैं लेकिन बड़ी ज़्यादा बेस्ट होता है। सब्जी चाहिए थोड़े से, 2 शिमला मिर्चा, 2 गाजर, प्याज 2, 3 हरी मिर्च, थोड़ा अदरक, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, थोड़ा सा आरोरूट, लाल वाला चिली सॉस, विनीगर, सोया सॉस विनीगर, टमाटो केचप, ग्रीन चिली सॉस। भगोने में पानी चढ़ा दिया, कुछ मसाले भी चाहिए हमको। पानी के साथ में मैंने 1/2 चम्मच नमक डाल दिया था, इससे जो है नमक सोयाबीन में अच्छे से पहुंच जाएगा। सोयाबीन मैंने अच्छे से साफ करके जो है उसी में डाल दिया है। सबसे पहले जो है मैं सब्जियों को बारीक बारीक काट लेती हूँ। लहसुन अदरक मिर्चा का पेस्ट बनेगा। सोयाबीन हमारा जो है फूल चुका है, ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुका है। गैस को ऑफ कर दिया, अब इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। सारा पानी इसका निकल जाना चाहिए। निकालने के बाद ठंडे पानी से धो लेते हैं इसको, ताकि ये जल्दी से जो है हमारी रेसिपी बन के रेडी हो। अब इसको जो है एक मुट्ठी से दबा दबा के सारा पानी निचोड़ के सोयाबीन को निकाल लेते हैं। अगर आपको उबालना नहीं है तो 1 घंटे के लिए, 1/2 घंटे के लिए सोयाबीन को फुलो के पहले से रख दीजिए। लेकिन हमने उबाल लिया है। सारा पानी निचोड़ने के बाद सोयाबीन को मैंने एक बाउल में डाल लिया है। अब इसी में मैंने 3 से 4 चम्मच आरारोट डाल दिया है। आप कॉर्न फ्लोर भी ले सकते हैं, हमने आरारोट का इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। 3 से 4 चम्मच लगाए दोस्तों। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है, 1 चम्मच के करीब, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। आपको मिर्चा अगर ज़्यादा लग रहा हो तो 1/2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब सोया चिली बना रहे हैं तो थोड़ा कड़ू तो रहेगा ही। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसी में थोड़ा नमक भी डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार नमक थोड़ा कम ही ऐड करें, क्योंकि आगे भी नमक की इस्तेमाल करना है हमको। अच्छे से सोयाबीन और मसाला ऐड करने के बाद बढ़ते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। कढ़ाई में मैंने 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है, इसी में सोयाबीन मैं डाल के फ्राई कर लेती हूँ। दोस्तों आपने चिली पटेटो बहुत खाया होगा, इस तरह से एक बार सोयाबीन का जो है सोया चिली खा के देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। गारंटी के साथ कह रही हूँ, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से ये फ्राई हो चुका है, हल्का लालपन आ जाना चाहिए, इससे हमारा जो है कुरकुरा हो जाता है सोयाबीन। थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल में ही बनती है ये रेसिपी। अब पेस्ट को डाल देते हैं। तेल गर्म होने के बाद लहसुन अदरक मिर्च को मैंने इस तरह से दरदरा पेस्ट बना लिया था। लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा ही होता है ये सब चीज़ों में। आप इसको जो है बना के देखिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बाहर का खाना भूल जाएंगे। इस तरह से बनाइए, आपको खुद भी बहुत ही अच्छा लगेगा। प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया था, लंबे लंबे, बड़े बड़े आकार में नहीं काटने, लंबे लंबे छोटे छोटे पीस में काटने हैं। गाजर को भी मैंने लंबे लंबे आकार में काटा है। इसी प्रकार से आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं जो आपको खाना पसंद हो।
शिमला मिर्चा भी मैंने ऐसे बारीक काट लिया, इसका बीजा निकाल दिया, बीजा नहीं अच्छा लगता इन सारी चीज़ों में। अब इसको हाई फ्लेम में ही हमको सब्जियों को फ्राई करना है, भूजना है। फैमिली वालों को बहुत अच्छा लगता है, आपके घर में कोई भी आ जाए मेहमान, कुछ भी ना समझ में आए तो आप इस तरह से सोयाबीन का चिल्ली बना के खिलाइए, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। 2 चम्मच मैंने रेड वाली चिली सॉस लिया है। आपके पास रेड वाली चिली सॉस नहीं है तो आप टमाटो केचप डाल के जो है लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 चम्मच का इस्तेमाल किया है। रेड चिली सॉस हो गया, टमाटो केचप हो गया, ग्रीन वाली चटनी हो गई है, सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। हाई फ्लेम में ही इसे पकाइए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, सभी को बहुत पसंद आता है। हमारी रेसिपी बहुत ही बेस्ट होती है, आप इसे ज़रूर देखा करिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। हम आपके बीच जो है नई नई रेसिपी ऐसे ही लाते रहेंगे, आप हमें सपोर्ट करिए। सब्जियों को फ्राई करने के बाद हमने जो है सोयाबीन डाल दिया है इसी में, इसको भी हाई फ्लेम में ही पकाना है। गैस की फ्लेम धीमे मत कीजिएगा, अगर ज़्यादा लगने लगे आपको तो जो है आप धीमा भी कर सकते हैं। अब इसी में मैंने 2 चम्मच के करीब सोया सॉस डाल दिया है, 1 चम्मच विनीगर डाला है, विनीगर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता है। आपको अगर डार्क कलर ज़्यादा खाना पसंद है तो आप जो है सोया सॉस 1 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। अब इसी में मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता है इन सारी चीज़ों में। अब 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला है, स्वाद के अनुसार नमक, नमक थोड़ा कम ही डालेंगे, सोया सॉस में भी पड़ा है और केचप में भी होता है नमक। अब इनको सब हाई फ्लेम में ही पका लेते हैं। अगर कढ़ाई में आपके लगने लगे तो आप गैस को जो है धीमा भी कर सकते हैं चूल्हे को। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है दोस्तों, बाहर का खाना आप भूल जाएंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल में जो है मैंने सोया चिली बनाया है, ये 3 चम्मच के करीब आरा रोड है, इसी में पानी डाल के मैं जो है इसका घोल तैयार करके इसी में डालूंगी। अच्छे से इसको घोल लेते हैं दोस्तों, इससे जो है हमारा जो है सोया चिली का वो सॉस रेडी हो जाता है, गाढ़ा गाढ़ा, बहुत ही अच्छा लगता है। आपको अगर लाल कलर का सोया चिली खाना पसंद है तो आप रेड कलर फ्रूट वाला डाल लीजिए, इसमें लाल लाल हो जाएगा जैसे मार्केट में होता है, लेकिन ये मैंने नेचुरली बनाया है, कोई भी कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। हमारा सोया चिली रेडी हो चुका है, हम सूखा ही खाना पसंद करते हैं। आपको ज़्यादा गीला खाना पसंद है तो थोड़ा पानी इसमें ज़्यादा ही मिला लीजिए। हमारा सोया चिली रेडी हो चुका है, आइए इसको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों खाने के लिए रेडी हो चुका है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नए दोस्त जुड़े हों सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसी तरह से आपके बीच न्यू रेसिपी पहुंचाते रहें। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते।